हेलो गाइस, मैं वैसे स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीसी में अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे ले चलता हूँ मैं आपको एडोब एक्सडी में, जिसमें आप एक हाई रेजोल्यूशन थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रेजोल्यूशन दिखा दूँ, तो आपको मैं जितना भी जूम करके दिखाता हूँ आपको उतना ही क्लियर दिखता चला जाएगा। देख सकते हैं आप, ये फुल एच डी में आपको ये मिलेगा यहाँ पर। तो इसको क्रिएट कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, सेम इसी को मैं बना के आपको दिखाऊंगा और क्या क्या एडोब एक्सडी में फिल्टर होते हैं और यहाँ पर आपको क्या प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले आपको साइड में अपने यूट्यूब की एसेट को खो लेना है, जो भी आप उस थंबनेल में शो कराना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ये चैनल का दिखाया है, और यहाँ पर मैंने एक लोगो लिया है, कैंसर लोगो लिया है, एरो लिया है, और ये टेक्स्ट लिया है, ये सब आपको खोल कर लेना है। मैंने कहा तो जैसे कि मैंने ये सब खोल के रखा है। अब आपको क्या करना है, थंबनेल का साइज जो होता है 1280 और ये इसकी हाइट होती है 720 पिक्सल की, इसको आपको सेट कर देना है। ये आपके सामने एक थंबनेल इस साइज का क्रिएट हो गया है। अब मैं बताऊं कि इसके साथ साइड में मैंने ये लाइन कैसे क्रिएट की है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज में आना है, आपको इसके बॉर्डर पे क्लिक करना है। पहले तो इसको आपको कलर दे देना है, जैसे ब्लैक की जगह आप रेड भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड चलिए दे देता हूँ, और यहाँ पर आपको साइज दे देना है, मैं यहाँ पर 10 मिनिमम रखता हूँ। और यहाँ पर ये जो आपको डैश मिल जा रहा है, डैश क्या होता है आप जानते होंगे, इस तरह का ये जो होता है इससे डैश कहते हैं। तो डैश आपको क्रिएट कर लेना है, आप जितने भी डैश चाहते हैं उतने क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देकर डैशेस क्रिएट हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, जैसे मैं बता रहा था एसेट खोल लेना है, तो एसेट में आपको जाना है। पहला एसेट आपको यहाँ पर सिंपली कॉपी के बटन पर क्लिक करना है और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से एक्सडी में आ जाना है और यहाँ पर इसे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसे अरेंज कर सकते हैं, आप इस साइड अरेंज कर सकते हैं, आप इस साइड भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इस साइड अरेंज कर देता हूँ। तो ये अरेंज हो गया, आप इसको एरो से यानी माउस की से भी अरेंज कर सकते हैं, और या फिर आप अपने कीबोर्ड की एरोस से भी इसे अरेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही से अरेंज हो गया है। अब मैं दूसरा एसेट लेता हूँ एरो का, इसे भी सिंपली यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, अपने वापस एक्सडी में आता हूँ, आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज में अरेंज कर देता हूँ। और मैं कुछ इसे इस तरह से दे देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कैंसिल का लोगो दिख रहा होगा, इसको भी आपको कॉपी कर लेना है और एक्सटी में आके पेस्ट कर देना है। उससे पहले आपको लोगो ले लेना है, जैसे कि मैं ये लोगो ले रहा हूँ पिक्सल लेन। तो अब इसको भी मैं अरेंज कर देता हूँ। अब जो मैंने कैंसिल कर लिया था उसको इसके ऊपर अरेंज करना है, तो सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे, अरेंज के बटन पे जाएंगे और यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पे जाना है। अब ये अरेंज हो जाए, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज हो गया है। अब आपको दूसरा लोगो लेना है, जैसे कि ये लोगो था, मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल लेने के बाद अब इस टेक्स्ट को मुझे अरेंज करना है, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर आपको मल्टी लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके उसको आपको अपने थंबनेल के हिसाब से अरेंज कर लेना है। तो ये मेरा लगभग सही अरेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एक हाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट हो गया है। अब इसे यूट्यूब के वीडियोस पर लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप एक प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर पाएंगे।